अकाल जी, पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है आज के बुलेटिन। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने पठानकोट दीयां मंडियां दा कीता दौरा। पंजाब भर च कणक की फसल पक के तैयार हो चुकी है ते किसान अपनी फसल नूं मंडियां च वेचण लई लैके जा रहे हैं, पर इस बार गर्मी दा सीजन जल्दी आउण कारण ज्यादातर कणक की फसल सुंगड़ गई। खरीद एजेंसियां वल्लों खरीद बंद कर दी गई है जिस कारण किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, पर अज फूड सप्लाई मंत्री ने पठानकोट दीयां मंडियां दा दौरा किया। पठानकोट दीयां मंडियां च खरीद शुरू करवाते हुए किसानों नूं भरोसा दिता कि किसानों की फसल का एक एक दाणा चुकया जाएगा। अज असी कानवा मंडी के अंदर इतने शुरुआत करा रहे हैं सरकारी खरीद की, क्योंकि साडा ये माझे का हिस्सा खास करके पठानकोट जिहड़ा मुकाबला तां बाकी पंजाब नाल थोड़ा जिहा लेट कणकां दी आमद हुंदी है। सो अज इत्थे असी सरकारी खरीद की शुरुआत की है और चंगा आ लग रहा, मतलब लगता 5-4 दिन से इत्थे भी सीजन जिहड़ा पूरी पीक पर आएगा। सो मेरे नाल डीसी पठानकोट जी ने और साडे DFC ने मैडम जी, और असी जनरली अपील करना चाहते हैं सारे इस इलाके के किसानों भी पंजाब के अंदर किसी किस्म की चिंता की लोड़ नहीं। असी जिहड़ियां फसलां लोग बहुत औखियां पालदे आ चंगे माड़े मौसमों का सामना करके असी इत्थे फसल लैके आने हैं और इत्थे पूरे असी इंतजाम किए उन्हां लई। वैसे तो समुचे पंजाब के अंदर ही जिहड़ी कणक की आमद है वह लगातार वध रही है। हुण तक असी 20 लाख मीट्रिक टन जिहड़ी है वह आमद होई है मंडियां के अंदर और लगभग 17 लाख मीट्रिक टन जिहड़ी कणक है वो पंजाब च खरीदी गई है, जिहदे विचों मोर दैन 16 लाख टन जिहड़ी कणक मीट्रिक टन कणक जिहड़ी है वो सरकारी एजेंसियां ने खरीदी है, 1 लाख टन मीट्रिक जिहड़ी है वो प्राइवेट एजेंसियां ने खरीदी है। सो पेमेंट लगातार किसानों के खातों जा रही है। वैसे तो असी 72 घंटिया का वादा किया पर बहुत सारे इलाकों के अंदर 24-24 घंटिया जिहड़ी है पेमेंट किसानों के खाते जा रही है। सो मतलब पूरी तरह जिहड़ा साडा डिपार्टमेंट है साडा प्रशासन है वो हर स्थिति दे लई मुस्तैद हैगा। सो अज असी कानवा मंडी के अंदर की शुरुआत करा रहे हैं। सो बंदोबस्त करन लई इत्थे भी कहा गया चाहे पानी का बंदोबस्त है पूरी तरह उन्हां दी किसान जदों मंडी च लैके जिणस आंदा उहदी रिस्पैक्ट होवे। सो अज असी जिहड़ा है वो इत्थे शुरुआत कराई है और आम तौर पर जिहड़े पूरे बंदोबस्त जिहड़े आ जो भी रिक्वायरमेंट है साडी इस सीजन की ਕੋਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ? ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ FCI ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੋਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ FCI ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ AFSO ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝੂ ਦਾਣੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ FCI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜੂ ਦਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਰੋਕਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਰੋਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਮਾਜੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੱਕੀ ਜਾ। FCI ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਨਸਪ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਤਾ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਖੰਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਜੂ ਦਾਣਾ ਸਰ 13-14% ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 90% ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਪੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਮਾਜੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਹ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀਓ ਰੋਕ ਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 3-4 ਦਿਨ ਅੱਜ FCI ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਣਕ ਬਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ FCI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਬਰੀਕ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ EGS ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ EGS ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EGS ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EGS ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌੜਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ 3 ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੀਤਹਿਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀਏ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਮਾਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ, ਦਿਨੇ ਘੇਰੀਏ, ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨਾ ਬਣੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PA ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ EGS STR AI ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 18-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 6000 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ,
क्योंकि तनखा बहुत घट आई, लगभग 17-19 साल तो पढ़ा रहे हैं। स्पैशल जी सरकार ने ETT बी एड करवाई है, तो तीन सरकार आ गई, तीजी तो सानू बड़ा बिलीव सीगा भी यह साडी तनखा विच वाधा करनगे, रेगूलर करनगे, पर 2-1.5 महीना गुजरन के बावजूद भी, क्योंकि पहली कैबिनेट के इन्होंने वादा किया तो पे है घट्टो घट्ट जी दिल्ली तर्ज से 36,000 असी करांगे, साडियां मीटिंगां भी होईयां इन्हां नाल, ते उस तो बाद कुछ नहीं किया इन्हां ने। हुण असी बेनती करते हैं भी साडी जिहड़ी एक CM साहब नाल पैनल मीटिंग करवाई जाए। विसाखी के मौके पर सतलज दरिया च नहाउंदे दो नौजवान, मालवा माझा की हद से पेंदे पुलिस थाना आरिफ के अखीरले पिंड मुठियां वाला नज़दीक स्थित सतलज दरिया से गुरद्वारा बाबा वीर सिंह गुप्तसर साहब विखे विसाखी वेखन गए भरावां की सतलज दरिया च नहाउण समय डुबण नाल मौत हो गई। अज सतलुज दरिया दे विच एक मंदभागी घटना जिहड़ी कि सामने आई है, फिरोजपुर जिले के नाल लगते मुठियां वाले पिंड दे नाल ते माझे दे नाल पिंड मुठियां वाले दोनों के करीब दरम्यान सतलुज दरिया दे विच दो नौजवानों की डुब के मौत होने का जिहड़ा कि समाचार प्राप्त होया। इस समय एक नौजवान दस्या जाता है 20 साल तो घट उम्र का जिहड़ा कि विच पानी दे विच नहाउण वास्ते गया, डुबण तो बाद दे विच उपरंत एक 26-27 साल के नौजवान के वलों बचाउण की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही जिहड़े नौजवान जिहड़े डुब चुके हैं। मैं कैमरा मैनू कहांगे एक बार तस्वीर दिखाउण कि BSF दे सांझे ऑपरेशन दे नाल बच्चों नू जिहड़ा कि सतलुज दरिया दे विचों देखा जा रहा, उन्होंने लभ्या जा रहा है। तुसीं सामने देख सकते एक बोट BSF की हैगी है, मुठियां वाले दे BSF दे कंपनी कमांडर जिहड़े इस समय साडे नाल मौजूद हैगे ने। सर्च ऑपरेशन दे विच सवेर दे जिहड़े करीब 11-12 बजे दे आप खुद मेहनत कर रहे हैं, नाल ने साडे नाल इस नाल गलबात करांगे। सर किस तरह ये घटना किस कु समय ये तकरीबन यहाँ पे चूँकि बैसाखी का मेला था, यहाँ गुरुद्वारे के पास में था मुठियां वाला गुरुद्वारा, तो उसमें सभी लोग आए हुए थे अपना जलसे में, तो दो लड़के थे, इसमें डूबने की खबर मिली हमें तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच की घटना है ये। उसके बाद में फिर हमारी तीन कंपनी के कंपनी कमांडर और कंपनी कमांडर मुठिया वाला, मैं खुद कंपनी कमांडर कुलवंत और कंपनी कमांडर बस्ती राम लाल। सर किन्नी उम्र बच्चे की? एक की 22 साल की उम्र है सर और दूसरे की 19 साल की बता रहे हैं। तो 19 साल वाला बच्चा जो था उसको तैरना नहीं आता था और 22 साल वाला बच्चा उसको बचाने के लिए गया, वो तैरने जानता था, लेकिन गाँव के बच्चे ये बच्चे यही मेले में आए थे, कौन से गांव के हैं ये अभी पता करना बताना मुश्किल होगा मुझे, क्योंकि आके ही हम तुरंत हमारा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और तकरीबन 11 बजे से 11:30 बजे से हमारा ऑपरेशन ये शुरू है। हुक एंड एंकरिंग टेक्निक से हम डेड बॉडी जो कि मरने के बाद में ज़मीन को पकड़ लेती है, तो हुकिंग करके हम डेड बॉडी को खींचने और ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सन साढ़े नाल कंपनी कमांडर से मुठियां तो जिहड़े कि जिन्हों द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा, साढ़े नाल इतों के लोग भी जिहड़े कि मौजूद ने कि जिस जिहड़े इस ऑपरेशन दे विच साथ दे रहे हैं, उन्होंने असीं गलबात करांगे। किन्ना कु समां है जदों ये डुब्बे तुहानूं किस तरह पता लगा? असीं सर गुरद्वारा साहिब सेवा कर रहे थे लंगर में, तो लंगर च सेवा कर रहे इतों एक नौजवान गया है, कहिंदा भी उत्थे दो मुंडे डुब गए दरिया च, तो तकरीबन 11-12 बजे की यह घटना है, तो असी इतने अपने वड्डे वीरां नूं दस्या भी ये घटना वापर गई अपने दरिया च। हर साल इतने मेला मनाया जाता बहुत धूमधाम नाल। गुरद्वारा की जिहड़ा गुरद्वारा गुप्तसर है, बाबे वीर सिंह दे दा स्थान है जी, तो इतने हर साल मेला मनाया जाता जी, तो दुनिया नौन अगे भी आँदी जी। ये तो चलो वेखो जो कहिंदे भी जिन्नी करमां च लिखी उन्नी तो भुगत गए हैं। हाँ जी, तो किहड़े पिंड किहड़े दे जिहड़े नौजवान जिहड़े ने अपने जिन्हां दी मौत होई? ये सर पिंड मुठियां वाले दे नौजवान आ, तो एक ने छोटे ने छाल मारी आ, तो दूसरा बेचारा उन्हें बचाने लई कोशिश उन्हें बहुत की होगी, तो बाकी वो दोनों नहीं वापस आए। बहुत इन्हों की मेहरबानी करते हैं BSF जो साढ़े नाल सवेर का बहुत ज़्यादा साथ दिता इन्होंने, इन्हों को एक बार ही जाके अं गल की सर एक घटना साढ़े उत्ते वापर गई आ, ये सर उस वेले ही बोट लेके साढ़े नाल पहुँच गए थे। BSF जिहड़े ने कंपनी कमांडर मुठियां वाले तुहाडे नाल साथ दे रहे कि प्रशासन ने साथ इस चीज़ का दिता नाल तुहाडे? प्रशासन जो आया हो जी अजे तो उन्होंने मिले हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, उन्होंने अजे गलबात साड़ी कुछ नहीं आई। पुलिस वाले सुबह सवेर दे आए उदों दे जां हुण आए? नहीं जी, पुलिस वाले थोड़ा देर बाद आए आ, फोन उन्होंने लगाया ही, वो कहिंदे भी वह तुहाडा जिला फिर इधर फिरोजपुर च पैंदा इलाका, अं क्या भी मुठियां वाले का नौजवान आ, तुसीं जरूर आओ, वो आए हुए आ,
जो अफसर साहब उधर खड़े हुए अं तो 11-12 बजे दे बोट में ही हैं सर। कोई प्रशासन का अधिकारी जो सिविल प्रशासन जैसा डीसी या कोई होर अधिकारी कोई पहुंचे कोई? नहीं जी कोई नहीं पहुंचा है। कोई मदद किसी तरह किसी की? नहीं जी। पिंड साथी तो जहाँ BSF का कला ऑपरेशन है? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। दो नौजवान जड़े ने मेले के दरियान अज विसाखी वाला दिन गुरद्वारा साहब आए हुए थे सतलुज दरिया के कंढे से एक गुरद्वारा साहब जरा कि वसया है गुप्तसर जरा गुरद्वारा साहब का नाम है। दो बच्चे एक छोटा बच्चा जरा जदों नहाने वास्ते गया डुबद देखते दूसरे बच्चे ने छलांग जी लगाई है नौजवान ने उनकी भी नाल जी मौत हो गई है। प्रशासन के अधिकारियों वालों किसी तरह की कोई पहुँच नहीं की गई ना ही कोई सर्च ऑपरेशन के ओनली सिर्फ सिर्फ BSF जरा कि उन्होंने द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है ज पिंड वासियों के नाल साथ दे के BSF का जरा कि पिंड वासी जड़े ने वो भी इस चीज़ का धन्यवाद करते हैं कि साढ़े नाल जरा कि BSF ने हमेशा की तरह अज फिर साडा जरा कि सहयोग दिता है। बाकी देखते हैं किस तरह ऑपरेशन जरा इस तरह BSF कर दी प्रशासन के अधिकारी भी साढ़े नाल पहुँचते हैं कि ज बच्चों दी लाशां इस तरह ही जिहड़ियां कि दरिया दे विच लभण च असफल रहिंदे हैगे ने। कैमरामैन नाल सिमरन सिद्धू पंजाब टूडे फिरोजपुर। अज पूरे भारत विच फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है। अज पूरे भारत विच फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है जिथे उत्थे पंजाब दे लुधियाना शहर दे फायर कर्मचारियों ने भी इस हफ्ते नूं फायर सर्विस दे तौर ते मना रहे ने। उन्हां दा कहना है कि 1944 दे महाराष्ट्र विच होए वड्डे हादसे विच मरे फायर कर्मचारियों दी याद विच इह दिन मनाया जांदा है। इस पूरे हफ्ते लोगों नूं जाणू कराया जांदा है कि फायर दे कर्मचारी किन्ना हालातां दे विच लोगों दी मदद करदे। मेरा नाम मनिंदर सिंह फायर स्टेशन ऑफिसर फायर ब्रिगेड लुधियाना। जी ये फायर वीक मनाया जा रहा है जो हर साल 14 अप्रैल तो लैके 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। सन 1944 च बॉम्बे डॉकयार्ड से एक बहुत भयानक अग लगी सी जिहदे विच कई अपने फायर फाइटिंग 600+ बंदे शहीद हो गए सीगे। तां उसकी याद में हर साल फायर वीक मनाया जाता कि जनता नूं अवेयर कर सकीए कि अग तो किवें बचिया जाता है। तां अज फायर वीक दे लई आपां रोड शो कढ रहे हां फायर ब्रिगेड लुधियाणा वल्लों ते आपां रोड शो कढे जा रहे इहदे बाद हर डेली 20 अप्रैल तक अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल फायर सैमीनार स्कूलों में कॉलेजों में फैक्ट्रिया दे विच कीते जाणगे लोगों नूं अवेयरनैस वधाउण दे लई। हाँ जी जोखम च तां पाउणी पैंदी है जी इह च तां कोई दो राय नहीं कि अग तां अग लगदी जे आपां अग नाल लड़दे हां ते बट हाँ सानूं प्राउड हुंदा है कि वी आर फायर फाइटर्स जो सारे नूं पता अग नाल कोई भी घटना ही वापर सकती है मेजर तो मेजर रिस्क भी होंगे ने बट ये साड़ी ड्यूटी है जो मैं मेरी टीम पूरी निष्ठा नाल निभाती है। अच्छा जी कच्चे मुलाजम हाँ जी ठीक है बस समाज की सेवा करने लई सर जो साडा बनता वा असी अपना अदा करी दा हक सर वो जो कुछ हो गया तो घर दे तो मिलना भी कुछ नहीं सर हुण बस सिचुएशन इदा दी हुंदी है कि उन्हें मौके में जदों काबू करना होंदा फिर घरदियां दी परवाह उस टाइम पर हुंदी तो है पर हालातां दे मूहरे इदां ही हुंदा जी। शॉर्ट सर्किट नाल कणक दे खेत नूं लगी अग बिजली दे खंभे तो शॉर्ट सर्किट होण नाल कणक दे खेत नूं अग लग गई। इस दौरान मौके ते पुजे नेड़ले पिंड रायपुर अराइयां ते किसान थानक लोग अते कस्बा नडाला दे समाज सेवी जथेबंदियां वल्लों हर वेले अजिही घटना लई तैयार बर तैयार रहिंदियां मिनी फायर ब्रिगेड दी मदद नाल जल्दी ही अग ते काबू पा लिया गया जिस नाल होरना किसानां दी खड़ी हजारां एकड़ कणक दा वड्डा नुकसान होण तों बच गया। मेरा नाम राजविंदर सिंह गल मैं उत्थे मशीन दा पता करन गया मेरे आंदे इत्थे ट्रां इत्थों चंगाड़ा पिया थल्ले नूं ते मैं वी कल्ला ही हां पहलां दे मुड़ के जनता पै गई तो वेखो मेरी किला इधर कणक सड़ गई है शुकर करो गांह बचा हो गया है बंदे पै गए काबू फिर बंदे पै गए टाइट टुट लिया के फेरे रूटा विट नाल है वो मुंडे नूं करता हुण उस बजे आ गए लै गए उहदा नाम बचा गया नहीं तो सारी सड़ जानी सी कणक 40,000 रुपया ठेके तो मैं बैली पाई है नहीं ठेके तो मेरी बैली है सारी नहीं कोई नहीं वो दूजी पानी वाला टैंकर आया ही पिंड ढड्डे ही वह आ गया ही चलो उहदा नाल फिर बचा हो गया। हाँ जी 24 घंटे की बत्ती पहला बंद ही बत्ती की लैन कितने खराब ही चैक करने बारे वो चंगेड़ा पिया तो उस अग फैल गई बई तो कहना बत्ती दिन तो बंद ही रखने सगों वी चलो भैन भरा सारे वढ़ लैन कहना ये जी 24 घंटे की लैन रापर आईयां नूं जांदी है जी ये तो चंगेड़ा डिगा तो अग लग गई है ये जिमीदार की कणक सड़ी है एक एकड़ के करीब यदि कणक सड़ गई है जी कुछ नार सड़ गया तो
मैं प्रशासन नू ते बिजली महकमे वालियां नू ये कहांगा कि रापर वाले जिन्हें भी वीर इतने अग बुझा आए सारे ने यो बेनती की भी सानू एक हफ्ता बत्ती की लोड़ नहीं हैगी, तुम 24 घंटे भी दिने सारी दिहाड़ी बत्ती बंद रखो, रात में जो त्रेल पै जाती उदो थोड़ी देर छड्ड लिया करो क्योंकि लोगों के इनवेटर चार्ज हो जाना, तो बिजली जिहड़ा बंद ही चाहिए क्योंकि अग धुखदी आ। वेखो जी हुण बुझा के भी गए, मैं तुहानूं विखाण लगा भी आ बुझा के गए ने, अद्धे घंटे के उपर हो गया, वेख लो फिर तू खंडी अजे भी। इहो जिही जरूरी जानकारी लई जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल।